नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले यह जान लें कि यह वीडियो उनके लिए है जिन्होंने स्टॉक मार्केट में लॉस किया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह ट्रेड करता हूं बिना लॉस के। तो दोस्तों, ये रहा मेरा जीरोड़ा का प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट, जिसमें मैंने कोचिंग शिपयार्ड खरीदा था। 17 क्वांटिटी खरीदा, जिसका प्राइस था 331, और मैंने उसको 342 पे आके बेच दिया, और जिसमें मुझे 198 का प्रॉफिट हुआ, जो काफी कम था। लेकिन मेरे स्ट्रेटजी के अनुसार मुझे जितना पॉइंट चाहिए था, क्योंकि मैंने कम इन्वेस्ट किया था, 5,627 रुपये इन्वेस्ट किया था, तो मुझे 331 और 342, तो मेरे स्ट्रेटजी के अनुसार मुझे 10 पॉइंट ऊपर मिला, तो मैं निकल गया। दूसरा देखिए, सुमाटो केमिकल, इसमें मैंने 22 क्वांटिटी खरीदा, जिसका प्राइस था 474.89, जिसे मैंने बेच दिया 499 में। इन्वेस्ट किया और मुझे प्रॉफिट, जिसे मैंने 10,978 में मैंने बेच दिया, और मुझे 530 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह, जिसमें मुझे 74 रुपये में और 499, यानी कि करीब करीब मुझे 20 पॉइंट मिला, देख सकते हैं आप। फिर मैंने महिंद्रा हॉलिडे रिजॉर्ट इंडिया लिमिटेड खरीदा, 35 क्वांटिटी खरीदा, 288 में मैंने इसको खरीदा, और जिसे 307 में बेच दिया, तो ऑलमोस्ट मुझे 20 पॉइंट ऊपर, दो दस हाँ ऑलमोस्ट 20 पॉइंट ऊपर मैंने इसको लेके बेच दिया। देखा, तो मेरा स्ट्रेटजी है 10 या 20 पॉइंट लेके बेचना। दूसरा देखते हैं, माइंड माइंड कॉर्पोरेशन, जिसे मैंने 24 क्वांटिटी खरीदा, 205 में खरीदा, और 236 में उसको बेच दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने इसमें 30 पॉइंट लेके बेचा, लेकिन मैंने कम इन्वेस्ट किया था, तो मुझे 700 रुपया, 7,744 का फायदा हो गया। फिर मैंने आरबीएल खरीदा, 34 रुपया में 60 पैसे में खरीदा मैंने, जिसे मैंने 39.10 में बेच होने पे बेच दिया, और मुझे 1,395 रुपये का फायदा हुआ। तो ऐसे मेरे स्ट्रेटजी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डिटेल में इसका वीडियो बनाऊं, तो नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में वीडियो बना के दूंगा। देखिए, आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो भी आप प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते हैं, क्योंकि बाजार चलता है इमोशन से। इसलिए आपको न्यूज पर ध्यान देना होगा। आप क्या करें, मैं आपको आज बताता हूँ। आप सुबह में कोई भी चैनल, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जी बिजनेस या CNBC आवाज देखें। उसमें आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक बताया जाएगा विदाउट स्टॉप लॉस। आप उसमें से कोई भी एक स्टॉक सिलेक्ट कर लें, और जब भी स्टॉक 10 या 20 पॉइंट ऊपर जाए, आप निकल जाए। ये आपको एक वीक में ही आपको प्रॉफिट 500 या 1,000 रुपया दे देगा। इसमें कोई भी स्ट्रेटजी और टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत नहीं है, ये मैं खुद ही करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।